चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात टीएडी राज्य मंत्री कमसा मेघवाल की, जिन्होंने आज दोपहर 2:15 बजे सचिवालय के मुख्य भवन स्थित अपने चैम्बर में कार्यभार संभाल लिया। कमसा ने विधिवत पूजा अर्चना कर अपना कार्यभार संभाला। तो चार्ज संभालने के मौके पर कमसा मेघवाल से खास बात की हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने। टीएडी राज्य मंत्री कमसा मेघवाल हमारे साथ है, क्योंकि बड़ा महकमा है, जनजातीय क्षेत्रों में विकास की बड़ी चुनौती है। मैडम, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, टीएडी एक बड़ा महकमा है, जनजाति का जो विकास है वो हमेशा चुनौती रहा है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी राज्य मंत्री के रूप में इस बड़े महकमे में कि आदिवासियों के जीवन में कोई आमूलचूल बदलाव आए, इसके लिए क्या करेंगे आप? मैडम का जो सपना है सीएम साहिबा का कि जनजाति के अंदर अच्छे से काम हो, अच्छा विकास हो, वहाँ के बच्चे अच्छे तरीके से पढ़े और जो योजनाएं लागू की है वो एकदम धरातल पे पहुँचे, आम घर तक पहुँचे, महिलाओं तक पहुँचे, वहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, उनको योजना को पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और मैं उनके घरों तक पहुँचूंगी, उनके बीच में बैठूंगी और वहाँ जो योजनाएँ वहाँ तक बिल्कुल उनके विकास के लिए वो कैसे आगे आ सकते हैं, पूरी योजना को वहाँ तक पहुँचाने की पूरी रात दिन मेहनत करके मैडम का जो सपना है वो साकार करने का पूरा प्रयत्न करूंगी। आप बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं आप अपने सामने कि जो स्कीम्स हैं वो बनती बहुत सारी हैं, पिछले 60 साल में खूब सारी स्कीम बनी जनजाति के लिए, लेकिन जनजातियों की जो स्थिति है वो कोई ज़्यादा आमूलचूल बदलाव उनमें आया नहीं है, आदिवासी जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, उनकी हालत बदले, उनकी जीवन स्तर बदले, उसके लिए आप क्या करेंगे? ऐसा है कि योजनाएं बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ी बड़ी योजनाएं तो बन जाती है, लेकिन जब तक उन लोगों को समझ में नहीं आती है कि ये योजनाएं हमारे लिए बनी है, सरकार हमारे लिए योजनाएं जो ला रही है, हम खुद आगे आके इस योजना का फायदा उठाए, शिक्षा ग्रहण करें, जब तक वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, अच्छी तरह से उस योजना को पढ़ेंगे नहीं और उसको समझेंगे नहीं कि ये योजना हमारे लिए है, तो मैं उनको समझाऊंगी भी ये योजना जो हमारे लिए है अपने लिए है, इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएँ और हमारा जो सामाजिक इस तरह ऊपर उठे, हमारी समाज है जो ऊपर उठे, और ऊपर उठाने के लिए मैं अच्छी तरीके से उनको समझाऊंगी और योजना जो 60 साल तक जो बनी है तो आज तक जो लागू नहीं है, मैं मेहनत करूंगी कि योजना लागू हो, बजट उनका पूरा खर्च हो, और खर्च होने के बाद ऐसी कोशिश करूंगी और बजट मांगू पूरा खर्च करके, ऐसी मेरी तमन्ना है, और जो गरीब तबकों के लिए मुझे बनाए गए, मुझे बहुत खुशी है कि मैं उन लोगों के बीच में जाऊँगी, उनसे मिलूँगी और उनका अच्छे से विकास हो, मैं पूरी मेहनत करूँगी। मैडम, एक दिक्कत और है जनजाति के साथ में कि जनजाति को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, एक पर्टिकुलर बेल्ट है, वो उसका फ़ायदा उठाता आ रहा है अब तक, और बहुत सारी ऐसी जनजातियों में जातीय समूह हैं जो अब भी आरक्षण का फ़ायदा उठाना तो दूर, उस कड़ी तक भी नहीं पहुँचे, तो इसके लिए ये जो विसंगति है जनजाति आरक्षण में, जनजाति स्कीम्स में, उनको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, किस तरह की पहल आप मंत्री बनने के बाद करने जाएंगे कि पहला काम आपको करना ज़रूरी है? बिल्कुल, आरक्षण का फ़ायदा तो वही समाज उठा पाता है जो पढ़ाई करते हैं, जिसके पास शिक्षा, अगर कोई बच्चा सीनियर पढ़ा ही नहीं है और उसके लिए वैकेंसी निकल गई और अगर वो सीनियर नहीं पढ़ा तो वो फिर फार्म भी तो नहीं भर सकता है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वो बच्चियां स्कूल पढ़े, शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ही उनको पूरा आरक्षण का फायदा मिलेगा। ये थी जनजाति विकास राज्य मंत्री कमसा मेघवाल, इनका दावा है कि जनजाति की हालत सुधारने के लिए वो पहले दिन से काम करेंगी, हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जनजातियों की स्थिति में कितना आमूलचूल बदलाव मंत्री बनने के बाद ये कर पाती हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ गोवर्धन चौधरी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।